रायबरेली में करोड़ों की लागत से एक दशक से ज्यादा समय से बना कूड़ा निस्तारण केंद्र बंद पड़ा है, जिसके कारण नगर पालिका परिषद जमा कूड़े को शहर की आबादी से सटे इलाकों में डंप कर रही है। ताजा मामला पीएससी कॉलोनी के पास बन रहे एसटीपी प्लांट का है, जहां पर मौजूद एक छोटे तालाब में इस समय नगर पालिका का कूड़ा डाला जा रहा। एसटीपी प्लांट के जिम्मेदारों ने इसकी शिकायत नगर पालिका के विभागीय अधिकारियों से भी की, लेकिन फिर भी बीते चार दिनों से कूड़ा तालाब में डालकर उसे पाटा जा रहा। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, एसटीपी से। और ये आपके बगल में एक छोटा सा तालाब गड्ढा टाइप में खुदा हुआ है, जिसमें नगर पालिका कचरा आ रहा है, जैसे वहाँ पे नगर पालिका द्वारा बताया जा रहा है कि आप लोग गिरवा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हम तो खुद शिकायत कर रहे हैं, कोई कचरा क्यों बोल रहा है, हमारे लोग दुआरी यहाँ पे परेशान है। इसकी शिकायत आपने किससे की? हमने जेएन साहब को की थी, एक्सएल साहब को शिकायत की। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने बोला मैं बात करता हूँ। कितने दिनों से कचरा एक ही रहा है? ये चार दिन से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।